जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का शैक्षिक समाचार बुलेटिन में स्वागत है। जान लेते हैं आज के शैक्षिक समाचार प्रमुख कौन से हैं। शुरू करते हैं, हाउसकीपर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा, हाउसकीपर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें नॉन टीएसपी में 29 पदों पर 28 अभ्यर्थियों और टीएसपी में 4 पदों पर 3 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। अब प्रत्याशी अपना परिणाम चयन बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगली खबर है, प्रदेश के बेरोजगारों ने मंत्रियों को दिया ज्ञापन। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले राजस्थान के बेरोजगारों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बीसीआई भर्ती में चयनित 131 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाने, तत्काल प्रयोगशाला सहायक भर्ती का जलावंटन करवाने, लाइब्रेरियन भर्ती का जलावंटन का लिंक शुरू करवाने, पीटीआई भर्ती, अध्यापक भर्ती और स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग की है। अगली खबर है, जस्टिस विनीत माथुर का फैसला। इससे ईमानदारी छात्रों की मेहनत बेकार होती है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट ने कहा है, पेपर लीक में प्रकाश शिक्षक हाईकोर्ट गए, फटकार मिली, आप नरमी के पात्र नहीं हैं, शिक्षकों की संलिप्तता गंभीर है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर फैसले में कहा, उन्होंने याचिकाकर्ता कदाचार में लिप्त असंवैधानिक और अनैतिक कार्य करते हैं, वे किसी नरमी के पात्र नहीं है। इस तरह के कृत्य से ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों का कैरियर खतरे में पड़ जाता है, वे अधोत्साहित होते हैं। पेपर लीक में शिक्षकों की संलिप्तता गंभीर है, कोई सहानुभूति और संदेह का लाभ ऐसे व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए। अगली खबर है, चयन बोर्ड ने लॉन्च की नई वेबसाइट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसमें इस वेबसाइट में अभ्यर्थियों के लिए अधिक सुविधाएं दी गई हैं। बोर्ड की नई वेबसाइट rsb.rajasthan.gov.in है। बोर्ड के सचिव संजय कुमार माथुर का कहना है कि नई वेबसाइट को अभ्यर्थियों के लिए आसान किया गया है। वेबसाइट के फ्रंट पेज पर ही आवेदन करने, देखने, भर्ती की विज्ञप्ति और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। और आज की अहम खबर है, स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 राजनीति विज्ञान 1383 अभ्यर्थियों की विचार सूची आरपीएससी ने की जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक स्कूली शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत राजनीति विज्ञान विषय के पदों के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए 1383 अभ्यर्थियों की विचार सूची गुरुवार को जारी कर दी गई है। अगली खबर है, सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा, एक बार भी नहीं हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण। शिक्षकों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। शिक्षक तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त कर पारदर्शी नीति लागू करने की मांग की है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।